जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये नागपुरी भाषा का क्लास 4 है। इसमें हम नागपुरी से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम समझेंगे कि किस प्रकार नागपुरी में एक एक बूंद से हम लोग क्या है गागर को भरते हैं। तो इसी में एक अगली कड़ी है ये क्लास 4, जिसमें हम संज्ञा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखिएगा, वैकेंसी बहुत नज़दीक है। चाहे सचिवालय की बात करूं, दरोगा की बात करूं, जितने भी पोस्टपोन्ड हैं, एक्साइज कांस्टेबल, विशेष शाखा कांस्टेबल, सचिवालय, सारे एकदम कतार में हैं। इसलिए लगे रहिए, अब समय नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, दर्द, गम, असफलता, बेरोजगारी, ये बस आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। याद रखिएगा, तो अपने आप को सिकंदर बनाना है तो उस पिंजरे से तोड़ करके, अपने सॉफ्ट जोन तोड़ करके बाहर आना होगा। नागपुरी को चूज कीजिए। जिस प्रकार मैंने 297 आउट ऑफ 300 में स्कोर किया है, ठीक उसी प्रकार आप भी अच्छे स्कोरिंग के साथ स्टडी फॉर गोल्स के टीम मैनेजमेंट एंड केपी सर के साथ बनाए हुए हर एक पीडीएफ लेक्चर, हर एक क्लास को देखते हुए उसके मद्देनज़र आप उसके ट्रैक पे आगे बढ़िए। बेशक आप बेहतरीन स्कोर करके आप एक सिकंदर के रूप में ज़रूर उभरिएगा। चलिए इस पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ कर विचार से संज्ञा कर कितना भेदा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 4, 5, 3, 6। तो अर्थ कर विचार से संज्ञा कितना भेद है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं, जो कि आप लोग हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रवाचक। पूरा हिंदी की तरह, क्या जो आपने हिंदी में पढ़ा सेम वही है, ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड में नेता बगरा हो जाए है, वाक्य में नेता शब्द कौन संज्ञा की? झारखंड में नेता बगरा हो जाए, मतलब झारखंड में आजकल बहुत नेता हो गए, बगरा मैंने होता है ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत नेता हो गए। तो वाक्य में नेता शब्द कौन है? भाववाचक, द्रवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो याद रखिएगा, बगरा क्या है? ये नेता, नेता शब्द पूछा तो नेता आपके क्या हो जाएंगे? जातिवाचक, मतलब नेता जो है पूरे नेता समुदाय का, पूरा जाति का उसका बोध करता है। नेता में सारे आ गए, अलग अलग बीजेपी कांग्रेस सभी के नेता, मतलब सभी पार्टियों के नेता उसका पूरा जाति का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालू भालू के सिकड़ में बाइध है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है के? लालू भालू के सिकड़ में बाइध है, बाइंध है, इसमें क्या बोल रहा है अनुस्कार है, इसमें क्या बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लालू भालू सिकड़ बाइंध है, तो याद रखिएगा लालू, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है लालू, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगले क्वेश्चन पे, हीरा कर माला, हीरा कर माला सुंदर दिशत है, हीरा कर माला सुंदर दिशत है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है? सुंदर, माला, हीरा, दिशत है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जो भाव पे है, मैंने सुंदरता, सुंदरता, कुरूपता, नीचता, बुढ़ापा, जवानी, ममता, दर्द, ये सारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिसमें भाव छुपा हो। मोठ जबरई, किताब पढ़ ले का होई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा। कभी कभी हम लोग बात नहीं करते हैं कि जबरदस्ती किताब खोल के बैठने से क्या होगा, ठीक है, तो वही है, मोठ जबरई किताब पढ़ ले का होई, किसी के प्रेशर में या बेमन से, जब मन नहीं हो वैसे में आप मोठ जबरई, मैंने जबरदस्ती अपने जिसमें मन, आपकी मन नहीं हो, मर्जी नहीं हो, ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट नहीं हो, तो उसको मोठ जबरई बोला जाता है। पढ़ने किताब मोटजबरे का वाक्य में भाववाचक बोला, तो ये भी क्या हो गया? मोटजबरे एक भाववाचक संज्ञा, इसमें भी एक भाव है कि आपका इंटरेस्ट नहीं, आपका मन नहीं, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, ये हो गया मोटजबरे, भी एक हो गया भाववाचक संज्ञा। ये अच्छी वर्ड है नागपुरी के सेंस से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, गोठ, गोठ कौन वर्ण कर संज्ञा है के? भाववाचक, द्रववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो याद रखिएगा दोस्त, गोठ जो है समूहवाचक है। गोठ मतलब क्या है? आदमियों का जो समूह होता है, ठीक है ना, जैसे गोठ मंडली होता है ना, मैं गोठ हो रहा है, मतलब सभी को लोग चर्चा कर रहे हैं, आम चर्चा में बैठ करके सभी कोई गोठिया रहे हैं, तो यही गोठ, गोठ मतलब क्या हो गया? पूरा समूहवाचक, मतलब सारी सभी आदमियों का समूह को बेसिकली गोठ कहा जाता है। मोबाइल कौन वर्ण कर संज्ञा है के? मोबाइल, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल पर जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक इन द सेंस मोबाइल, देखिए नोकिया भी उसमें आ जाएगा, सैमसंग भी आ जाएगा, वीवो भी आ जाएगा, एप्पल भी आ जाएगा, आईफोन आ जाएगा, सारे क्या है? सारे मोबाइल है कि नहीं? सारे मोबाइल हैं, तो मोबाइल क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मतलब मोबाइल में सिर्फ ये नोकिया का नहीं, हर एक सारे चीज़ के जितने भी कंपनी के मोबाइल बनाता है सारे उसमें कवर कर लेंगे, कवर किए जाते हैं, तो मोबाइल हो गया आपका जातिवाचक। तातल, तातल कौन किस्म का संज्ञा है कि? द्रववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। देखिए, तातल मतलब होता है गर्म, तो देखिए अब क्या, गर्म, ठंडा,
ये सब क्या है, जवानी बुढ़ापा बताया ना, तो ये सब क्या है, भाव है, ठीक है ना। तातल गर्म क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जोर जोर से किताब पढ़ूँ, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन है। मैं जोर जोर से किताब पढ़ूँ, किताब जोर जोर से मैं पढ़ूँ, तो याद रखिएगा मैं जोर जोर से किताब पढ़ूँ मैंने किताब, किताब जो है आपका संज्ञा, इसमें क्या है किताब, ठीक है। इसमें सिर्फ पूछा संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा के भेद से नहीं है, तो किसी के भेद से रहता तो उसमें देखते क्या है, अब किताब है तो जनरली क्या हो गया, किताब हो गया, संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट कौन तरह का संज्ञा है, के द्रवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो देखिए नोट भी क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, मतलब पूरा जाति का बोर्ड कराता है। देखिए अभी हाल ही में क्या, कल ही का लेटेस्ट न्यूज आपका 2000 का नोट वापस लिया जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया पहल है जिससे कालाबाजारी नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा, ठीक है ना, कैश का जमाखोरी नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। तो नोट में क्या आते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, इवन 30 सितंबर तक 2000 नोट भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे नोट क्या है, ये जातिवाचक है, पूरा जाति समुदाय का बोध कराता है फॉरेन नोट आपका। देखिए पिछले क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका क्या क्वेश्चन था, देखिए इया कौन व्यंजन कौन से संबंधित है, तो आपका क्या है इया, इया संबंधित महाप्राण, अल्पप्राण, अनुनासिक, देवल सब, तो इया जो था अनुनासिक था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पिछला में क्लास में, क्वेश्चन ऑफ द डे था। अब अगले क्लास में चलते हैं जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन के बारे में, आंसर में कमेंट करना है, इसका आंसर हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। जो भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है वो VVI रहता है फॉर अपकमिंग एग्जाम, डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन टकरा जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है के बालू, कचिया, माया, राइत, तो बताइए माया, दया, ममता, है ना, ये सब क्या जिसको आप देख नहीं सकते, एक एहसास है, वही भाववाचक संज्ञा, तो माया क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ दोस्तों ये क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका संज्ञा से संबंधित नागपुरी की जो एक कड़ी मैंने संभाली है, इसका एक अगला वर्जन था। अगले क्लास में फिर से हम इस पर 10 क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, 7 बजे से पेपर 3 का है, 150 क्वेश्चन, 10 MPGT ज्योग्राफी, और याद रखिएगा 2 बजे से, जी हाँ दोस्तों, नागपुरी जो कि मेरे बहुत ही क्या कहते हैं करीबी हैं हार्ट के, जिसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है, आप भी स्कोरिंग कर सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका नागपुरी है, ठीक है, नागपुरी इंपॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट आप 2 PMP स्टडी फॉर गोल्स पे लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, JSSC CGL झारखंड सचिवालय जो है आपका पेपर 2 नागपुरी भाषा महाअभ्यास टेलीग्राम चैनल पे चालू है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास 8:15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां पे अपडेट किया जा रहा है महाअभ्यास पेपर 2 में आपका टेलीग्राम चैनल में, जो भी हैं इससे आप संपर्क कर सकते हैं नागपुरी टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हैं और PDF हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। PDF वीडियो समर सामायिक अपडेट के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आपको एवरीथिंग मिल जाएगा। हाँ, JSSC CGL पेपर 2 50+ नागपुरी फुल लेंथ टेस्ट आ गया दोस्तों, आप जाकर के देखिएगा, 1-2 टेस्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन बैकग्राउंड से होता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पकड़ में आएंगे, जरूर पकड़ में आएंगे, बेहतरीन स्कोर है। मॉक टेस्ट 30 और 31 अपडेट कर दिया गया है, जाकर के आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, अच्छे ढंग से टेस्ट लगाइए। 50 फुल लेंथ नागपुरी फुल टेस्ट जो आपको बताया गया अभी, और प्रीवियस ईयर पेपर अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी आपको दिया जा रहा है, साथ ही झारखंड सामान्य ज्ञान इस रेंज में आपको दिया जा रहा है, 7,500+ का महाअभ्यास, 40 क्वेश्चन झारखंड का, 100 नोट्स आपको, 100 सेट्स का नोट्स दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट दिया जा रहा है, विगत वर्षों का प्रश्न दिया जा रहा है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पे बराबर किए जा रहे हैं। कंप्लीट नागपुरी, जिनको नागपुरी का कंप्लीट जानकारी चाहिए, क्योंकि आने वाले झारखंड में 2 साल में वैकेंसियाँ हैं, एक बार पढ़िएगा, हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो जो नागपुरी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, तो जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप मूव कीजिएगा, तो इस पर आइएगा, स्टडी फॉर गोल्ड हैंड रिटन PDF नोट्स, स्टडी फॉर गोल्ड वीडियो लेक्चर, नागपुरी का सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट नागपुरी, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर नागपुरी, यहाँ से ओपन कीजिएगा, तो आप इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ से आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़िए और एक बेहतर मुकाम पाइए, हमसे स्टडी फॉर गोल्ड से जुड़िए, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन याद रखना है इस बार क्या है, स्टार पे अपने कंधे को सजाने नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जोहार सभी को, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।